उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की एक अलग छाप है। यहाँ की खूबसूरती आकर्षण का केंद्र है, लेकिन चुनावी मौसम में देहरादून के हाल भी कुछ दूसरे शहरों की तरह ही नजर आते हैं। यहाँ इसकी खूबसूरती पर पट्टा लगाने के लिए धड़ल्ले से अवैध बस्तियाँ फैल रही हैं, और ये वो बस्तियाँ हैं जिसे नेताओं ने चुनाव में वोट बैंक भरने के लिए बसाया है। यहाँ रहने वाले लोगों को इन बस्तियों के मालिकाना हक तो दिए जाते हैं, वोट देने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से महरूम रखा जाता है। राजनीतिक में सड़क बदल रखी है, जबकि ये बननी चाहिए। डेढ़ साल मुझे भी हो गया देखते हुए, यहाँ सब जो है पॉलिटिकल उसमें ले जाते हैं, और जो है यह सड़क पे आम आदमी को सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं, वोट जो है देखकर ही देना चाहिए, कैंडिडेट को देखकर देना चाहिए, जो कैंडिडेट काम आया जनता के उसी को वोट देना चाहिए। चुनावों के नजदीक आते ही नेता इन गलियों का एक बार फिर से रुख करते हैं, लोगों की परेशानियों को दूर करने का वायदा करते हैं, लेकिन वायदे सिर्फ चुनावों तक ही सीमित रह जाते हैं। जो सरकार अभी चल रही थी हरीश रावत जी की, तो जाहिर सी बात है इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है और उसमें मालिकाना हक उन्होंने दे दिया था, बल लास्ट मोमेंट में आके जो है वो थोड़ा सर्वे में पिछड़ गए क्योंकि आचार संहिता लग गई थी, तो इस वजह से वो रुक गई, वरना कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बहरहाल चुनावी मौसम एक बार फिर से है और पार्टियों के मैनिफेस्टो में एक बार फिर से इन्हें जगह दी गई है कि आखिर कब तक लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ये सिर्फ देहरादून की बस्तियों की बात नहीं है, इस तरह की बस्तियां पूरे भारत में बसाई जाती हैं। राजनेता इन बस्तियों को अपने इस्तेमाल के लिए बसाते हैं और यहां से वोट बैंक बटोरते हैं, और वोट भी ये लोग उन्हीं को देते हैं जो नेता इनके पास सिर्फ उस वक्त आते हैं जब वोट मांगने की बारी होती है। मेरे सहयोगी मंटू शर्मा के साथ में योगेश सेमवाल, APN न्यूज़, देहरादून।